सुबह 7:11 पर भर्ती कराया गया था, रात के 8 बज रहे हैं, 2 मेडिकल बुलेटिन जारी हो चुके हैं, तीसरा मेडिकल बुलेटिन सुबह 7 बजे जारी होगा। देखना है कि उनकी स्थिति क्या होगा। जैसा कि डॉक्टरों ने बताया कि मुंबई से प्रणव आहूजा जी चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ से कानपुर आएंगे, अपने साथ एक मशीन भी ला रहे हैं। देखना है कि उसके बाद क्या होता है उनकी स्थिति में। अभी तक की जैसा डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक की कोई स्थिति में सुधार नहीं है। जैसी स्थिति सुबह लाया गया था वैसी ही स्थिति अभी बनी हुई है। कैमरामैन रिंकू के साथ आपके सामने एक छोटा सा मेडिकल बुलेटिन आपके समक्ष नीचे कर लो भाई, आई नीचे है नहीं हमारे एडमिट हुए हैं एसपी कानपुर नगर, उनकी हालत अभी भी वैसी ही बनी हुई है और उसमें कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए हमने मुंबई में बात कर ली है और वहाँ से चार्टर प्लेन से डॉक्टर प्रणव ओझा वहाँ से चलने वाले हैं, जो बहुत शीघ्र लखनऊ में लैंड करेंगे और लखनऊ से कानपुर आएंगे और उसके बाद जैसी भी वो स्थिति समझेंगे और हमें गाइड करेंगे उसके हिसाब से हम आगे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट चल रहा है, बराबर सारे डॉक्टर इमरजेंसी हॉस्पिटल के उनके लिए जुटे हुए हैं और हम आशा करते हैं, भाई मोबाइल आ रहा है, प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। सर क्या कोमा की स्थिति बनी हुई है? वो तो जब इंक्यूबेटेड है वेंटिलेटर क्या अपडेट है यहाँ पर डिसेंसी में ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हर हाल में उनका बेस्ट ट्रीटमेंट करके इसके लिए यहाँ पर से डॉक्टर से बात करके और चार्टर प्लेन के माध्यम से मुंबई से एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट है और एक स्पेशल मशीन उसके जो सपोर्ट सिस्टम उनका ठीक करने के लिए वहाँ से अभी 8 बजे शायद ठीक करेगी, रात में कभी किसी टाइम 11-12 बजे तक यहाँ पे आएगी। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी मतलब जो भी बेस्ट एक्सपर्ट पॉसिबल है उनको कोऑर्डिनेट करना यहाँ पर आ सकते हैं और उनको उनका सर्वाइवर धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।